गुरुवार को जनपद के जिला अस्पताल सहित 60 केंद्रों पर 10,817 व्यक्तियों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 9,650 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 1,167 लोग शामिल रहे। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि 18 से 44 साल के लोगों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीनेशन होगा। सीएमओ ने कहा कि 45 साल के ऊपर के जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, वह आधार कार्ड लेकर सेंटर पर जाकर पोर्टल से लिंक करके वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वैक्सीनेशन कराने वाली अनीता, खुशी, मनीषा मल और सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने कहा, लगेगा 28 प्लस वाला अमिता सिंह। कहाँ से आई हैं? बिथियाता। वैक्सीनेशन हो गया आपका? हाँ जी। कैसा, क्या कोई दिक्कत चीज़ करके? नहीं, बहुत अच्छा फील हो रहा है वैक्सीनेशन करवा करके, और पता भी नहीं चला कि वैक्सीन लगा, और अच्छी बात है, सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए। सरकार निःशुल्क वैक्सीनेशन करा रही है, क्या कहेंगे सरकार की? बहुत अच्छा काम है उनका, बहुत अच्छा कर रही है, और अब तो ये भी हो गया कि 21 के से फ्री, सब हर जगह फ्री लग रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब हर जगह के लोग, हर तरह के लोग मतलब वैक्सीनेशन लगा लेंगे। वैक्सीन लगाने के बाद ये रहेगा ना कि सब लोग अच्छे तरीके से बचे रहेंगे, मतलब कोई किसी को दिक्कत ना हो, यही है। अच्छा काम है सर, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। खुशी जी, काशी कटरा। आपने कब रजिस्ट्रेशन कराया? कल रात को। वैक्सीनेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं, नॉर्मल था। सरकार निःशुल्क वैक्सीनेशन करा रही है, क्या कहेंगे सरकार के लिए? आई अप्रिशिएट कि उन्होंने ऐसा किया, वो भी फ्री में। और बाकी लोग क्या कहना चाहेंगे? आप सब भी लगवा लीजिए वैक्सीन, और इसमें आपका ही फायदा है। मनीषा मल, रुस्तमपुर से। वैक्सीनेशन हो गया आपका? हाँ, हो गया वैक्सीनेशन। दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं। सरकार निःशुल्क वैक्सीनेशन करा दिया, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ज़रूरी था कोविड से बचने के लिए, बस यही कहना चाहते हैं। सबको लगवाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये रिएक्शन कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये फ़ायदा ही कर रहा है, हमारी सेफ्टी के लिए है ये। आज 60 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसमें दो महिलाओं का स्पेशल महिलाओं के लिए बूथ बना हुआ है, जो हमारे महिला अस्पताल में चल रहा है, दूसरा हमारा कल्पियागंज में चल रहा है, और दो अभिभावक स्पेशल बूथ चल रहे हैं, जो एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में चल रहा है और दूसरा हमारा बसंतपुर PSC पर चल रहा है। बाकी शेष पर हमारा 18 प्लस और 45 प्लस का वैक्सीनेशन चल रहा है। कल हम लोगों ने 8,500 से ऊपर का वैक्सीनेशन कराया, कल का भी लक्ष्य हमारा है, आज का हमारा, कल का हमारा जो है लक्ष्य 10,000 से ज़्यादा का है, और अभी तक वैक्सीनेशन अच्छा चल रहा है, बहुत सुचारू रूप से चल रहा है।